हेलो, हाँ नमस्ते और स्वागत है आपका फिर से मेरे नए व्लॉग में। और आज थर्सडे है तो बेसिकली आज कार्डियो के लिए जा रहे हैं हम। और अभी लाइक 4 बजने वाले हैं और अभी हम जा रहे हैं साइकिलिंग करने। पॉइंट ए जो रहेगा मलाड, और जो हम लोग का रीचिंग गोल है वो है चर्च गेट। तो अभी मेरे पास साइकिल तो है नहीं, तो एक मेरे एरिया में ही मतलब एक साइकिल है जहाँ पे रेंटल में साइकिल देते हैं। तो मैं बात बात कर लिया उनसे और मैंने बोला था कि 4 बजे का टाइम है, मैं 4 बजे आऊँगा साइकिल वाइकल लेने। तो अभी वहीं जा रहे हैं साइकिल लेने के लिए मतलब। और एक तो बहुत टाइम हो गया मैंने साइकिलिंग किया नहीं, और सीधा आज मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ वो भी इतना लंबा वाला, लाइक अराउंड 31 किलोमीटर है अगर वन वे देखेंगे तो, और आने जाने का दोनों देखेंगे तो पूरा 62 किलोमीटर्स। और रेंटल फीस भी इतना ज़्यादा है नहीं, लाइक 50 50 रुपीज़ पर आ रहे। और साइकिल पे भी डिपेंड करता है, गियर वाला विथ नॉन गियर वाला। तो मैंने तो लाइक 6 घंटे का ही मेरा लिया है, क्योंकि इधर 6 घंटा मतलब अप्रोक्स लगा के, क्योंकि तो पहली बार मैं साइकिलिंग करके जा रहा हूँ इतना लंबा, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो इसलिए कैलकुलेट करके भी 6 घंटा तो। बट साइकिल मैंने 24 आवर्स के लिए ले लिया, तो अभी जाते हैं और लेते हैं। ब्रेक्स वगैरह सब पे ठीक है ना? तो अभी साइकिल ले लिया और अभी मैं स्टार्ट करूँगा। और लाइक क्या बोलते हैं, साइकिल भी अच्छी खासी है, टेस्ट किया मैं बोला ठीक है। और जो मतलब साइकिल देते वो भी बहुत अच्छे हैं, मतलब कोऑपरेटिव एकदम, कुछ टेंशन नहीं, बोले आराम से आके दे दो ये वो, कोई टेंशन। और अभी मैं रूट डिसाइड कर रहा हूँ कि कहाँ से लूँ, क्या लूँ, डायरेक्ट हाईवे से लूँ या कैसे लूँ, मैं वो सोच रहा हूँ, पता नहीं, देखते जैसे जैसे मतलब करेंगे वैसे वैसे आइडिया तो हो जाएगा कहाँ जाना है क्या नहीं जाना। और अंकल बड़े प्यार से हमें देखते हुए चलो शुरू करते हैं यार, ऑलरेडी 4 बज गए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करते हैं, जाके ट्राई करेंगे कि सनसेट सनसेट कैप्चर कर पाए, ठीक है ये गोल रखते एक। चलो अभी हाँ फाइनली स्टार्ट कर दिया और मज़ा तो आ रहा है, लाइक इतने टाइम बाद साइकिल चला रहा हूँ, थोड़ा यूज्ड टू नहीं हूँ, लाइक बहुत साल हो गया मैंने लास्ट साइकिल चलाया। डेस्टिनेशन वगैरह सेट कर लेते हैं पूरा और देखते हैं, फिर हाईवे से डायरेक्ट जाना है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल मलाड के भी आगे आ गया हूँ, लाइक गोरेगांव। चलो सेट कर लूँ। अभी मैं एयरपोर्ट रोड के इधर पहुँचा हूँ और इधर बहुत ट्रैफिक है, पर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा रेस्ट लेने के लिए रुका। और लाइक एक बार अभी रुका था क्योंकि डिस्माउंट हो गया था चेन, तो उसको ठीक करने लग गया था, बट कोई नहीं अभी तक तो मज़ा आ रहा है, लाइक इतना डिहाइड्रेशन फील नहीं हो रहा। और अभी शाम का टाइम है तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बट कोई इशू नहीं। और अच्छा है मैंने 4 बजे का टाइम भी लिया, इतना धूप है नहीं, वरना बहुत ज़्यादा धूप होता। और सुबह इसलिए नहीं आया क्योंकि लाइक फिर रिटर्न आते समय धूप बहुत होता है, तो मैं सोचा कि शाम के टाइम पे ही जाते अच्छा खासा, फिर रात को ही आएंगे आराम से चिल मार के। हाँ चलो कंटिन्यू करते हैं, अभी तक तो प्यास प्यास लगी नहीं, थोड़ी देर बाद फिर पानी वानी पीने के लिए रुकेंगे। और अच्छा है मैंने एयरपोर्ट्स भी लाया जर्नी के लिए, तो इट रियली हेल्प्स अ लॉट, गाने वाने सुनते सुनते अच्छा मज़ा आ गया, इतना कोई इशू नहीं हुआ आते समय। बट प्रॉब्लम यही था कि बस रोड में खड्डे बहुत है, बस वही एक इशू हुआ, क्योंकि साइकिल में यार खड्डे बहुत नो पेन करता है। लास्ट टाइम मैं जब ये रोड पे आया था बैंड राइड्स में, तब मैं बोल रहा था मेरे दोस्त को कि कौन ही यूज करेगा इसे, और आज मैं यहाँ पे आ गया हूँ साइकिल लेके और मैं यूज़ कर रहा हूँ, देख रहे हो। तो बेसिकली अभी बांद्रा पहुँचे, बांद्रा ईस्ट। अभी लाइक कितना चेक करके देखना पड़ेगा कितना हुआ है, लेकिन है बाकी है
मतलब मलाड से बांद्रा तो पहुंच गए एटलीस्ट। हाँ पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं नहीं होएगा, हो जाएगा, मज़ा आएगा, मज़ा आ रहा है अभी तक, मज़ा आ रहा है अभी तक, मेरे को बोर नहीं हुआ है ना, मेरा लेग्स दुखना चालू है। और मैं सोच रहा था कि मेरा लेग्स दुखेगा लेकिन दुखा नहीं, क्योंकि लाइक मैंने कल लेग्स मारा था। हाँ ना, आपको देखा हो YouTube कहाँ पे? पे शॉर्ट स्टॉरी किसमें? वीडियो पे, कौन से? मतलब YouTube पे ही देखा होगा। देखा है मेरे को? अरे वाह। हाँ ये मैच ले लो ना। नहीं ये तो रेंटल वाला है, मैं अभी ऐसे ही मरीन ड्राइव जा रहा हूँ ना। मरीन ड्राइव वहाँ से? हाँ यहाँ से, माहिम से बहुत दूर है। एक काम करो, ट्रेन से चले जाओ ना। नहीं साइकिल से करना है ना। कभी से निकले आप? मलाड मलाड हाँ हो गया 4:30, 4:30 बजे से। हाँ वहाँ कब पहुँचोगे? पहुँच जाऊँगा आराम से, अभी 6:30 तक पहुँच जाऊँगा। हाँ ठीक है। हाँ हाँ थैंक यू। देख रहे क्या मतलब? हाँ मतलब देख रहे? नहीं अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, बाद में डालूंगा। हाँ तो सब्सक्राइब करो भाई को, लाइक कमेंट और शेयर करो, जिससे कि भाई को चांस मिले आगे जाने का। थैंक यू थैंक यू। नाम क्या है? नाम वैभव। वैभव भाई थैंक यू सो मच। ये देख हाथ भी गंदा हो गया, सॉरी। रेस्ट ले लो। हाँ अभी रेस्ट। बाय लाइक करो। बाय बाय। हाँ मज़ा आ गया, एटलीस्ट कोई मालूम तो पड़ रहा है कि कोई देख रहा है मुझे। वाह ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, बहुत अनएक्सपेक्टेड था। अब मेरे को एकदम खुशी हो रही है भाई। अभी पानी वानी पीते ज़रा। ये देखो मेरा बॉटल, 2 लीटर का पानी, 2 लीटर की पानी की बॉटल लाया हूँ मैं। वेट ज़्यादा है बट मेरे को आइडिया नहीं था कि क्या लेकर आऊँ क्या नहीं। मैं बोला जो भी बेसिक नीड्स है वो ले लेता हूँ, और ले लिया मैंने पानी का बॉटल, और इसमें लाई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। मज़ा आ गया, एकदम रिफ्रेशमेंट लग रहा है भाई, अब और मज़ा आएगा। चलो कंटिन्यू करते बांद्रा ईस्ट चर्च गेट, लेट्स गो। देखो कितना भाई प्यारा लड़का है, मेरे को आके कहता है चलो मेरे घर खाना भी खिला दूंगा आपको। ठंडा वगैरह यहाँ पे, राम मंदिर भी है। यहाँ पे भी राम मंदिर, हनुमान मंदिर। यहाँ पे मैं आता था, यहाँ पे वो स्कूल है ना, चेतना कॉलेज, चेतना कॉलेज के इधर आगे एक गली जाती है, सोसाइटी है पूरी, गार्डन है उधर छोटे छोटे अंदर, डेपो के इधर, वहाँ पे आर्म रेसलिंग होता है संडे संडे। हाँ मैं आता हूँ इधर। हाँ मतलब अच्छे भी रहते, सामने वाले हरा भी देते, कभी जीत भी जाते। वैसे वह घोड़ा ये भी जा रहा है लगता है मरीन ड्राइव घोड़े पे। चलो आपको छोड़ दूंगा, चलो मेरे को छोड़ देगा भाई। भाई क्या ही स्वीट बंदा था, उसने आगे तक भी छोड़ा मुझे। और फिलहाल मैं माहिम के आगे आ गया हूँ, और यहाँ से पूरा स्ट्रेट रोड ही है। थोड़ा मैप्स को भी फॉलो कर लूँगा जस्ट इन केस शॉर्ट रूट के लिए, और चलो कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक पहुँच जाऊँगा जल्दी, सनसेट का तो पता नहीं, प्रॉबेबली चांसेस है देख पाऊँ या तो नहीं। आई मीन ऑल आई कैन डू इज ट्राई ना। तो चलिए चलो चलो चलो। तो अभी लाइक गूगल को फॉलो करते करते आ गया कोई, तो गली में घुस गया हूँ, और इतना लंबा रास्ता है यहाँ से। ट्रेन ही थोड़ा बहुत चला लिया अंदर, लेकिन फिर इतना भीड़ था कि उतर के ही आना पड़ा। हाँ आई थिंक एंड आ गया। हाँ फाइनली बाहर निकला भाई, कितने टाइम से अंदर था मैं भाई। गूगल फाइनली, पता नहीं क्या हालत हो गई है फेस का, और 6:49 हो रहा है, और फाइनली मैं एंड पे पहुंच गया। भाई बहुत दुख रहा है, पैर नहीं दुख रहा है लाइक आज दुख रहा है मेरा, लेकिन अच्छा है लाइक वर्थ इट। थिएट है भाई, वाह
अनएक्सपेक्टेडली मतलब मैं कभी वीकडे पे आया नहीं हूँ, तो लाइक अभी वीकडे पे आया, मैं सोचा था इतना भीड़ होगा नहीं पर पूरा भरा हुआ है, पर ठीक है। अभी देखते हैं थोड़ी देर यहाँ पे वॉक करेंगे, बैठेंगे, आराम करेंगे, क्या है क्या नहीं। सोचा था कि सनसेट देखने का मौका मिलेगा बट एंडेड अप कमिंग लेट। लाइक जब तक मैं मरीन ड्राइव एंटर किया था जहाँ से मतलब पूरा स्टार्ट होता है बीच का, वहाँ पे सनसेट हो चुका था और अभी देख सकते हो रात होने वाली, थोड़ा अंधेरा हो गया, देख रहे हो, लेकिन व्यू फिर भी है, फिर भी वर्थ इट व्यू है। और आज हवा भी बहुत चल रहा है, वैसे ही ठंडी लग रही है। अभी देखते हैं यार, बहुत ज़ोर से टॉयलेट आ रही है, ये आगे टॉयलेट है वहाँ पे जा रहा हूँ। कर लिया वॉशरूम वगैरह जो भी था कर लिया, और अभी लाइक मैं साइकिल अंदर ही लेके चल रहा था, चला भी नहीं रहा था, बट पुलिस वाले ने बोला कि अलाउड नहीं है, तो फिर बाहर ही चलाना पड़ा और थोड़ा थोड़ा बैठा बैठा था। और अभी फिर से घर जा रहा हूँ, तो अभी जाते हैं घर फिर से मलाड, अब मरीन से मलाड। पहले मैं सोच रहा था ट्रेन से ही जाएंगे अगर ज़्यादा थक जाएंगे, बट इतना थके नहीं है तो अभी साइकिल से ही चले जाएंगे, तो जाते हैं अब। मज़ा तो आया यार, गलत रोड पे आ गया, मेरे को जाना था दूसरे साइड से, लेकिन मैं वर्ली सीलिंग वाले रोड से आ गया था। मेरा गूगल मैप्स भी बंद हो गया था अचानक से, मैंने नोटिस नहीं किया। और मैं सोच रहा था एक बाइक नहीं दिख रही, तो मैं समझ गया कि भाई गलत रोड में। अब आई थिंक आगे से कहीं से टर्निंग होगा, वहाँ से टर्न लेके जाना था। तो फाइनली माइंड के इधर पहुँच गया। लाइक पिछले कितने लाइक टाइम से एक घंटा हो गया सीधा रोड पे मैं चलाए जा रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ भाई आ क्यों नहीं रहा है कुछ। फाइनली कुछ पहचान वाली जगह दिखती है ना, तो एक राहत मिलती है भाई आ गए करके। थोड़ा और अभी मैं सोच रहा हूँ गाड़ी रुका लेता हूँ, भांग भी पी लेता हूँ, काम करता हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि लाइक बांद्रा चला जाता हूँ, थोड़ा बांद्रा में माउंट मेरी चर्च के इधर साइड, फिर वहाँ से बैंड स्टैंड मार के कार्टर, कार्टर से फिर पूरा जुहू, जुहू से सीधा सीधा निकल जाएंगे। फिर मैं बोला पहले सोचा था कि डायरेक्ट सीधा सीधा निकल लूँगा हाईवे से, बट फिर मैं सोचा कि इतना मज़ा नहीं आ रहा है, तो थोड़ा रूट चेंज करके चले जाएंगे। थोड़ा पानी पी लेता हूँ भाई। दिस अंकल के आस्क मी लाइक फॉर अ टी, अंकल पूछ रहे थे कि आप यहाँ नहीं रहते हो ये वो, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं साइकिल चला के जा रहा था यहाँ से, तो ही वॉज लाइक कि आपको चाय वगैरह कुछ पीना है, तो बोला नहीं अभी निकल रहा हूँ। देख रहे हो अच्छे लोग हैं भाई, मुंबई में बहुत अच्छे लोग हैं कंपैरेटिवली बहुत सारी जगह के। तो वी जस्ट रीच्ड माउंट मैरी चर्च, और लाइक मैं यहाँ पे क्यों आता हूँ प्रे करने के लिए, लाइक आदत हो गई है बचपन से, लाइक मेरे दोस्तों के साथ आता था मैं, फिर फैमिली के साथ भी आ जाता था, और मेरे बहुत क्रिश्चियन फ्रेंड्स थे उनके साथ आता था, तो बचपन से ही आदत हो गई। और लाइक जब भी बांद्रा आते ये मस्ट प्लेस टू विजिट है मेरा, लाइक मैं हमेशा यहाँ पे आता ही हूँ। आज लाइक बहुत टाइम बाद मैं अकेले आया हूँ, अच्छा लग रहा। अभी प्रे वे मैंने कर लिया जो भी है, और अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ा खाने के लिए कुछ ढूंढना पड़ेगा, बहुत भूख लग रही है, भूख लगना चालू हो गया, और पानी भी लेना है, पानी लिया नहीं अभी तक, और मेरा नेक पेन होना स्टार्ट हो गया है, कल बहुत मेरा गला गर्दन दुखने वाला है, और लाइक आई थिंक हाथ भी पूरा रेड रेड हो गया है यहाँ पे, बट ठीक है कोई नहीं, चलो बढ़ते आगे। हाँ तीखा तीखा, तो अभी खाने के लिए कुछ इतना खास नहीं मिल रहा था, तो अभी इन्फिनिटी के इधर आ गया ओशिवारा, पानी पूरी खाना हूँ। अभी जस्ट पानी पूरी खाया और पानी पूरी में मजा आ गया, तो एक शेवपूरी भी खाने का मन किया। मतलब इतनी टाइमिंग था ना, आंटी बंदी कर रहे थे उतना में मैं आ गया। अब लग रहा आराम, खा लिया मस्त, एनर्जी आ गई।
अभी जाते अभी ओशिवरा में है, आधा घंटा लगेगा तो पहुंच जाएंगे हम हमारे घर। अभी आते आते मतलब मज़ा आ रहा है लेकिन बस पेस स्लो हो गया मेरा बहुत, और अच्छा ट्रैफिक वाफिक था नहीं कुछ, ऊपर से साइकिल है तो टेंशन नहीं, जैसे ही ट्रैफिक सीधा साइकिल उठाओ चलो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली हो गया, अभी जस्ट पहुंचा मैं और साइकिल दे दी और 300 भी पे कर दिया, अच्छा था। तो बेसिकली अभी मैं चेक किया तो स्टेप्स मेरे 29 बता रहे, 29,000 आई थिंक इतना हुआ रहेगा या उससे ज़्यादा हुआ रहेगा, और बाकी पूरा देखा जाए तो टोटल 62 किलोमीटर्स होता है। बट क्या बोलते हैं, थोड़ा मैंने डिटोर किया था ना तो लाइक फिर बांद्रा बांद्रा गया था, फिर जू से पूरा घूम घूम के आया था, तो ज़्यादा भी हो सकता है तो, लेकिन फिर भी चलो 62 किलोमीटर ही बोल देंगे, लेकिन मज़ा आया, अच्छा था। अब इतना मज़ा आज कर लिया, अब कल क्या होगा पता नहीं। मेरे को इतना श्योर है कि मेरा गर्दन और मेरा जो ऐस है भाई वो बहुत तगड़ा वाला दुखने वाला है, मतलब दुख तो गर्दन ज़्यादा दुख रहा है क्योंकि उसी पोजीशन पे रहना पड़ता है ना। अभी जब आगे आया मैं तो लाइक इतना रिफ्रेशमेंट लग रहा था ना भाई, चलाने में भी मज़ा आ गया, मिल ही नहीं रहा था कहीं पर भी ढूंढ ढूंढ के कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा था। फिर मैं बोला कुछ खाना ही है तो रहने दो, अभी जाता पानी पूरी खाऊँगा, और लाइक वहाँ से मैं हमेशा खाता ही हूँ पानी पूरी लाइक जब भी मन करता है तो। और इसी के साथ आज का दिन फाइनली ख़त्म होता है। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, और याद से नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।